गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग और गैंगटॉक के लिए। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो रास्ते में ही हैं, आगे आगे क्या होता है दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर स्टेशन, जैसा आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जाते हुए, सो फ्रेंड्स ये रही हमारी ट्रेन। हम लोग हावड़ा तक दुरंतो एक्सप्रेस से जाने वाले हैं, उसके बाद हम ट्रेन चेंज करेंगे। दोस्तों मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में आपको दुरंतो एक्सप्रेस में क्या क्या मिलेगा मैं वो भी आपको दिखा दूं। तो ये है मेरा नॉनवेज ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। चलो यम्मी यम्मी खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये रहा रास्ते का नज़ारा। हम लोग डायरेक्ट ट्रेन नहीं ले पाए क्योंकि हमारे छुट्टी के अकॉर्डिंग वो जमा नहीं। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अपनी जर्नी दो पार्ट्स में कवर की है। एक तो रायपुर से लेके हावड़ा तक, जिसकी टिकट मैंने दुरंतो एक्सप्रेस में ली है, और दूसरी हावड़ा से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक, जिसकी टिकट मैंने पदातिक एक्सप्रेस में ली है। और आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी ट्रेन ले सकते हो कर्मभूमि एक्सप्रेस में, जो कि वेडनेसडे को है वीकली रायपुर से। सो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा लंच। मैंने एक वेज और एक नॉन वेज थाली ऑर्डर की थी, तो ये मिलेगा आपको मस्त वाला खाना। ये है नॉन वेज थाली और ये है वेज थाली। सेम है, सिर्फ सब्जी में पनीर है और चिकन की जगह, बाकी दही दाल चावल सब्जी रोटी और अचार, मज़े ही आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, खाते हैं मस्त मस्त खाना। और उसके बाद मिलेगी आपको ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद। ये तो मीठा बनता है, तो आपको ट्रेन पे मिल जाएगी खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सो फाइनली दोस्तों, अब हम हावड़ा पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ेंगे और आगे आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों ये है हावड़ा स्टेशन। जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो सियालदा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए है। तो बस हम सियालदा के लिए निकल पड़े हैं। सो दोस्तों ये देखिए फेमस हावड़ा ब्रिज, बस रास्ते में दिखा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सो दोस्तों ये है हावड़ा की गलियां, जहाँ से हम सियालदा की तरफ जा रहे थे। वहाँ का रश थोड़ा ज़्यादा है हम रायपुर वालों के लिए, हमारे लिए तो वो नया एक्सपीरियंस था। बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कलकत्ता बाई रोड, तो मेरे लिए तो बड़ा मज़ेदार था ये सफ़र। ये देखिए फ्रेंड्स, केले के बड़े बड़े बक्से, मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं अपने आप को रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पाई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं सियालदा स्टेशन। अब हम यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और उसके बाद अपना सफ़र शुरू करेंगे दार्जिलिंग का। तो लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और बस हम चल रहे हैं अपनी सफ़र की शुरुआत करने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज है हमारे जर्नी का सेकेंड डे और बस हम पहुंचने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। तो चल फ्रेंड्स, बस अब हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। उससे जस्ट पहले ये सुंदर सा पार्क दिखा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये भी मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, ट्रेन से जस्ट उतर के मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही कर ली और फिर सीढ़ी चढ़ते हुए हम बाहर स्टेशन के जा रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा सा स्टेशन मिला मुझे,
तो फटाफट से मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और बस अब अपना कैब लेंगे और निकल पड़ेंगे दार्जिलिंग के लिए। सो फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग का सफ़र न्यू जलपाईगुड़ी से। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।